वेलकम टू ऑनलाइन एसएससी ट्यूटर्स। तो आज हम लोग अपना टाइम डिस्टेंस का लास्ट पार्ट, जो कि थर्ड पार्ट है, स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पिछला टॉपिक जो हमने क्वांट सेक्शन में किया है वो है ट्रेन, तो आज टाइम एंड डिस्टेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अपना बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी हार्डली दो क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसमें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। तो ये आप लोगों को शायद पता भी हो क्योंकि हम इस पर क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट ये मैं आपको लिखवाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को याद रह जाए अच्छे से। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग फॉर सेम टाइम मीन्स इक्वल टाइम के लिए अगर मूव कर रहे हैं, सेम या इक्वल टाइम, देन दे कवर द डिस्टेंस इन सेम रेशियो। मतलब कि डिस्टेंस का रेशियो सेम रहेगा एज देयर स्पीड्स रेशियो, एज देयर स्पीड, मतलब स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों का सेम रहेगा एंड वाइस वर्सा। अगर स्पीड का दिया हुआ है तो डिस्टेंस का सेम रहेगा, और डिस्टेंस का दिया हुआ है तो स्पीड का सेम रहेगा। तो सपोज जैसे कि ए और बी हैं, दोनों की स्पीड 30 किलोमीटर पर आर है, इसकी 40 किलोमीटर पर आर है, तो दोनों का जो स्पीड का डिस्टेंस होगा वो तो 3:4 होगा ही होगा, और डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो भी 3:4 ही होगा। तो ये मेन हमारा रूल है जो आपको पता भी है ये रूल, बट ठीक है अगर नहीं पता है तो अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ये रूल। तो इसी पे बेस्ड हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू पर्संस ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, दो आदमी हैं वो पी टू क्यू मूव करते हैं, हम बना लेते हैं पी टू क्यू, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। ठीक है, विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो ए मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ये ए है, और ये हम सपोज कर लेते हैं ये बी है, ये मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। तो ये दोनों ये दिया हुआ है डाटा में क्वेश्चन में। तो अब ये क्या कहता है कि बी रीचेस क्यू, बी चलते चलते यहाँ से क्यू पहुँचा, और क्यू से एंड रिटर्न्स इमीडिएटली। तो रिटर्न करने के लिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि यहाँ से फिर यहाँ वापस चलना शुरू करा इसने, मतलब ये एक ही टाइम पे हो रहा है इतना, तो यहाँ से इसने वापस चलना शुरू करा एंड मीट्स ए एट आर, इस पॉइंट पे मीट करता है आर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से चल के आ रहा हो कुछ स्पीड से, तो यहाँ पे दोनों मीट कर गए। तो ये तो यहाँ से ऐसे ऐसे गया बी, और ए यहाँ से आया, तो यहाँ पे दोनों मीट हुए। और तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि वो कितनी दूर पे मिले, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब आप लोगों को पता है कि जब ये ऐसे जाएगा तो 21 किलोमीटर आर डिस्टेंस 21 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, और इधर से जब ए आ रहा है और इधर से बी आ रहा है तो भी तो ये 21 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो टोटल 21 प्लस 21 हो गया, तो ये 42 किलोमीटर कवर कर रहे हैं दोनों। तो ये 42 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया दोनों का चलने का, और दोनों सेम टाइम के लिए चल रहे हैं क्योंकि जब इसने चलना शुरू करा उसने भी चलना शुरू कर दिया। अब वो बेचारा यहाँ तक पहुँचा, ये घूम के यहाँ पे पहुँच गया, तो चल तो दोनों सेम टाइम के लिए रहे हैं, और दोनों की स्पीड का रेशो क्या है 3:4, तो उनके डिस्टेंस का क्या रेशो होगा, वो भी 3:4 होगा। तो दोनों को 3:4 रेशो में डिवाइड कर देंगे हम लोग डिस्टेंस को, तो 7 हो गया, तो 42/7 हो गया 6
6 किलोमीटर हो गया पर यूनिट, तो 16 × 3 18 किलोमीटर और 6 × 4 24 किलोमीटर, तो ये हो गए दोनों। तो उसने पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, तो ए वाला डिस्टेंस होगा क्योंकि इतना चला है, तो आ गया हमारा 18 किलोमीटर। तो यही उसने हमसे पूछा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप लोग पॉज कीजिए वीडियो और फिर इसको अच्छे से देखिए और आपको ये फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चंस देखो, इसमें अब करने को कोई क्वेश्चन बचा नहीं है हमारा ट्रेन में, हमारे सारे चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। दो तीन चीज़ें बची हैं जो बताने के लिए, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको एग्जांपल के तरीके से ही आपको मेथड बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन होता है कि सपोज ये कोई थीफ है या चोर लिख लेते हैं सीधा, और ये 10 बजे चला चोरी करके, ठीक है। इसके पीछे पुलिस को पता चला तो पुलिस चली 3 बजे दिन में, वो सुबह 10 बजे चोरी करके गया है, 3 बजे चले हैं। तो ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट पुलिस अपने साथ एक कुत्ते को लेके चलती है, ठीक है। तो ये हमारा डॉग है और इस डॉग की स्पीड जो है वो है 1800 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशंस की वजह से लिया है, वो आपको कुछ भी दे सकता है। मेन चीज़ ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे अप्रोच करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में वो पूछेगा क्या हमसे, वो पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग। जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक डॉग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ये क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब लोग आप लोग देखिए कि वो 10 बजे चला है और पुलिस भागी है 3 बजे, तो 5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 आवर्स तक चोर चलता रहा, तो 5 आवर्स तक वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहा, तो वो 150 किलोमीटर आगे निकल गया। तो पुलिस को उसको पकड़ने के लिए 150 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से चलेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि 30 से वो भी चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड आ गई, मतलब टोटल 15 घंटे में पुलिस उसको पकड़ेगी 15 आवर्स में, ठीक है। अब 15 घंटे तक डॉग तो भागता ही रहेगा, अब डॉग की स्पीड है 1800 किलोमीटर पर आवर, 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 15 घंटे भागता रहेगा, तो डॉग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, 27,000 किलोमीटर। ये तो मैंने वैल्यू ऐसे ही एज्यूम की थी तो इसलिए इतना बड़ा है, तो लेकिन बात मेन ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस मेथड से अप्रोच करेंगे। तो ये हो गया एक टाइप। इसी जैसा एक और टाइप है, वो भी देख लेते हैं हम अपना, तो ये भी आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से, तो वो टाइप और देख लेते हैं हम लोग। टाइप क्या है कि सपोज दो स्टेशन हैं, डिफरेंट कोई भी स्टेशन है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रेन इधर से आ रही है इस डायरेक्शन में, एक ट्रेन इधर से आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो ट्रेन आ रही है सपोज वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, इसमें जो आ रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, दोनों स्टेशन के बीच का 360 किलोमीटर। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशंस की वजह से लिया हुआ है डिस्टेंस, कुछ भी दे सकता है वो, मैं बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अब वो कहता है कि जैसे ही दोनों ट्रेनें चलनी स्टार्ट हुई ना, एक कबूतर, ठीक है, के मान लेते हैं कबूतर के लिए, कुछ भी दे सकता है, कोई भी बर्ड दे सकता है, यहाँ से उड़ना शुरू करा, वो पहले इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, वो करता रहेगा कब तक, जब तक ये दोनों ट्रेन मीट नहीं करती। तो सपोज कहीं भी मीट कर रही हैं यहाँ पे, तो ये तब तक मूव करता रहेगा, ठीक है। अब कबूतर की स्पीड हमें दे दी के, ले लेते हैं उसको कि वो 2900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो अब वो पूछेगा कि जब तक वो ट्रेन्स नहीं मिलती तो कबूतर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कबूतर, तो
बात मेन ये है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये तो बस मैं समझाने के लिए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो अब दोनों को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, दोनों ट्रेन को 630 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 60 + 30 ऐड हो जाएगी, तो 630/90 तो ये आ गया 7 आवर्स, तो मतलब 7 घंटे चल के ये ट्रेन मिल जाएंगी। तो कबूतर 7 घंटे तक उड़ता रहेगा 2900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटे के लिए, तो वो 20,300 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेगा, इतने में वो ट्रेन्स मिलेंगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप हो गई ये। अब इसके बाद लास्ट चीज़ जो इस टॉपिक में आप लोगों को बताने के लिए बचती है वो बता देता हूँ आपको, और उस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिर हमारा ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम वो क्या है हमारा। सपोज दो स्टेशन है, ए और बी या कुछ भी मान लीजिए, ये है ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से चलती है स्पीड 1 से, ठीक है, सेम टाइम पे दूसरी ट्रेन यहाँ से चलती है, एक दूसरे की तरफ चल रही है स्पीड 2 से। तो होता क्या है कि ये जब स्पीड ये चलती है ट्रेन, तो यहाँ आके इसको ये ट्रेन मिल जाती है, ये दोनों को ट्रेन मिल गई, तो दोनों की स्पीड गिवन है, तो यहाँ मिलने के बाद ना ये दूसरे एंड तक पहुँची T2 टाइम में, ठीक है, ये दूसरे एंड पे पहुँची T1 टाइम पे, ठीक है। तो दोनों एंड्स पे पहुँचने का इनका टाइम दे दिया, लेकिन कहाँ से, मिलने के बाद से, ये टाइम है इस ट्रेन का मिलने के बाद, इस वाली ट्रेन से मिलने के बाद दूसरे स्टेशन पे पहुँचने के लिए, और ये टाइम है इस वाली ट्रेन का इस ट्रेन से मिलने के बाद इस स्टेशन पे पहुँचने के लिए। ये ट्रेन 1 है और ये दूसरी ट्रेन है हमारी। इस केस में जब आपको ऐसे दिया होगा, तो स्पीड 1/स्पीड 2, मतलब स्पीड 1:स्पीड 2 जो होगा उनका रेशियो इक्वल टू होगा T2/T1, नीचे वाले का टाइम ऊपर और ऊपर वाले का टाइम नीचे। तो ये है हमारा मेन फंडा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब ये यूज़ कैसे होगा ये हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई डाउट हमारा रहे ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना ट्रेन टॉपिक का, टाइम एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टार्ट्स बाय अ कार फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू कोलम, तो त्रिवेंद्रम टू कोलम जाना है, तो दोनों स्टेशंस पता चल गए हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं ये कोलम है ये त्रिवेंद्रम है, द्रम त्रिवेंद्रम, ठीक है। पहली चली यहाँ से ट्रेन और यहाँ मीट करी दूसरी से और यहाँ पहुँची, दूसरी चली यहाँ से यहाँ मीट करी और इस टाइम में पहुँची। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। अ ट्रेन पर्सन स्टार्ट बाय अ कार फ्रॉम त्रिवेंद्रम, ठीक है, यहाँ से उसने कार से स्टार्ट करा, तो ये हमने मान ली कार। एंड एट द सेम टाइम अनदर पर्सन स्टार्ट फ्रॉम कोलम, ये भी कार से चला कोलम से सेम टाइम पे, ये इस इधर जाने के लिए चला, ये इधर जाने के लिए चला, तो डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो आफ्टर पासिंग ईच अदर, मतलब मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, दे कंप्लीट द जर्नी इन 2 आवर्स, एंड मतलब ये वाली ट्रेन पहले दी हुई है तो ये 2 घंटे ले रही है, मतलब ये डिस्टेंस, और ये वाली कार इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं कार, ठीक है। तो T1 जो दिया हुआ है हमें 2 आवर्स दिया हुआ है, T2 जो दिया हुआ है वो हाफ आवर दिया हुआ है, तो ये बोल दिया उसने। तो एट व्हाट रेट डज द सेकंड पर्सन ड्राइव्स द कार इफ द फर्स्ट कार रन एट 40 किलोमीटर पर आवर, तो S1 दे दिया उसने 40 किलोमीटर पर आवर, और S2 हमसे पूछ लिया कि कितने स्पीड से उसको चलानी चाहिए गाड़ी। तो हमें पता है कि S1/S2 होगा अंडर रूट ऑफ T2/T1, तो अंडर रूट ऑफ T2 है 2/T1 है 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो हो गया √4, तो √4 हो गया 2।
तो एस टू हो गया, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, ये टी टू है और ये टी वन है, ठीक है। तो ये कार्स, नहीं सही है सही है, सॉरी बिल्कुल सही है क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाली ट्रेन को उसने बोला ना कि 2 घंटे लग रहे हैं मिलने के बाद पहुंचने के लिए, और इसको कम लग रहा है। तो अब टी वन ये है तो ये नीचे आएगा 2, और ये 1/2 ऊपर आएगा तो ये नीचे जाके हो जाएगा 1/4, तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट जब हटाएंगे, तो S1 S2 S2 आ गया, तो S2 हो जाएगा 2 टाइम्स S1, तो वो गया 2 × 40 दिया हुआ था, तो ये हो गई स्पीड 80 किलोमीटर पर आर। तो यही उसने हमसे पूछा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा, उसने यही पूछा था ना कि सेकंड कार कितने स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा ट्रेन टॉपिक कंप्लीट होता है, ट्रेन भी और टाइम एंड डिस्टेंस भी। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, और अगर आप फेसबुक पे जाके सर्च बार में टाइप कीजिए ऑनलाइन SSC ट्यूटर्स बिना स्पेस के, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। बट आप अगर आपको फिर भी हमारा पेज नहीं मिलता है तो आप लोग यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक डालता हूँ, तो वहाँ से आप जाके हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ऑनलाइन SSC ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू गाइस।